तो दोस्तों, आज से पहले मैंने आईफोन को कभी नहीं चलाया है क्योंकि मेरे पास कोई भी आईफोन नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज फाइनली मैंने परचेज कर लिया है अपना नया आईफोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जब आप स्विच करते हो एक एंड्रॉयड फोन से एक आईओएस की तरफ, तो दोस्तों आपको क्या चीज़ नया देखने को मिलता है। और दोस्तों, मुझे याद है 2015 के करीब मेरे पास कोई भी फोन नहीं था, यानी कि मेरे घर में ही कोई फोन नहीं था। लेकिन 2015 में हमने खरीदा था एक नया स्मार्टफोन जो कि था दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी का। 1 GB उसमें रैम था और दोस्तों वो फोन ना 15,000 का था। जी हाँ दोस्तों, 1 GB रैम वाला फोन उस समय पे 15,000 में मिलता था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हमने काफी सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स खरीदे, K20 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 7S और भी बहुत सारे हमने दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड फोन को परचेज किया। लेकिन दोस्तों, हमने कोई भी आईफोन अभी तक यूज नहीं किया था। लेकिन फाइनली दोस्तों, हमने ले लिया है एक नया आईफोन। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इसका डब्बा दिखा देता हूँ इसके अंदर से निकाल के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है हमारा आईफोन जो कि मैंने लिया है iPhone 13। और इसके साथ दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा आईफोन वालों ने चार्जर देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है एक USB Type-C पावर एडेप्टर। अब दोस्तों, यहाँ पे USB Type-C से आप ये मत समझ लेना कि ये जो फोन है ये Type-C फोन है। ना 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 ना, ये दोस्तों चार्जर Type-C है, फोन Type-C नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, ये जो चार्जर में हमारा जो डेटा केबल लगता है ना, वो Type-C का है। इसमें जो लगता है ये लाइटनिंग पोर्ट ही है। अभी मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपना नया स्मार्टफोन। तो गाइस, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है हमारा नया आईफोन। और यहां पे मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूं, कुछ इस तरह का दिखता है। और दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक कवर भी लगवाया है और कैमरा प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी लगवाया है। और साथ ही साथ दोस्तों, आगे मैंने यहां पे एक ग्लास भी लगवाया है प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों, इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और कुछ इस तरह से दोस्तों, यहां पे हमारा जो आईफोन है वो दिखता है। चलाने में दोस्तों काफी ज्यादा स्मूथ है। लेकिन दोस्तों, ये मेरे को आखिर कितने का पड़ा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, यहां पे आईफोन और यहां पे इसका चार्जर दोनों ही मिला के दोस्तों, यहां पे मुझे मिला है 72,000 में। दोस्तों, आखिर इसमें क्या क्या है? ये है दोस्तों आईफोन 13, ना प्रो है ना मैक्स है, सिर्फ ये आईफोन 13 है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर काफी ज्यादा आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, बाकी स्पेसिफिकेशंस तो आप देख ही लोगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आखिर मुझे एंड्रॉइड से जब मैंने पहली बार ये आईफोन को यूज किया तो मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिला। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो डिफरेंस यहां पे देखने को मिलता है कि इसके अंदर दोस्तों कोई भी बैक बटन नहीं है। अगर आपको बैक करना है ना, तो सिंपली अगर आप कोई ऐप वगैरह को आप बंद करना चाहते हो तो सिंपली आपको नीचे से ऐसे करना होता है, उसके बाद वो जो ऐप है वो बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐप को आप ओपन करके उसको यूज करते हो तो दोस्तों, इसके अंदर ना आपको कोई भी बैक बटन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैक बटन, कभी कट बटन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको डेडिकेटेड कोई भी यहाँ पे बैक बटन देखने को नहीं मिलता है जो हमें एंड्रॉइड फोन्स में देखने को मिलता है। और भी दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल सिंपल जो हमें एंड्रॉइड में फीचर्स देखने को मिलते हैं वो तो इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइस है। दोस्तों, ये रहा इसका चार्जर, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा छोटा सा चार्जर है। मगर दोस्तों, ये जो चार्जर है ना, ये एक Type-C चार्जर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें दोस्तों Type-C केबल जो है ये चार्जर में लगता है, आपके फोन में नहीं लगता, आईफोन में नहीं लगता है, ये आपके चार्जर में लगेगा। और इस तरफ जो दिया गया है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरफ एक लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है जो कि आपके फोन में लगेगा और आप इसको बहुत ज्यादा इजीली चार्ज कर पाओगे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूं मेरे नए आईफोन के। Thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, these were hearts, these were hearts. It cuts you deep and leaves a scar. तो जब आप लोग भी अपना एक नया आईफोन को परचेज करोगे तो दोस्तों, उसमें आपको काफी ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगेगी और उसमें आपको काफी सारे जो सेटिंग्स है वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे। लेकिन दोस्तों, अब से एक नई सीरीज चालू होने वाली है जो कि हमारी आईफोन सीरीज है, क्योंकि अब हमारे पास आईफोन आ चुका है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों काफी सारे सेटिंग्स, काफी सारे वीडियोज मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में।